स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल फ्यूचर टेक में। और आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे पैनासोनिक इलुगा रे 530 का। तो देखते हैं इस एंट्री लेवल फोन में हमें क्या नया मिलता है, क्या कुछ स्पेशल है। करते हैं इसकी सील ब्रेक और दिखाते हैं हम आपको इसका भी पूरा ओवरव्यू। करते हैं इसकी सील ब्रेक। हियर वी गो। ओके, सबसे पहले हमें मिलता है मेकिंग योर स्मार्टफोन स्मार्टर एक स्टिकर, इसको रखते हैं हम साइड में। और उसके बाद में मिलती है हमें हमारी मेन यूनिट, इसको जो कि एकदम लाइट वेट लग रही है, इसको भी रखते हैं साइड में। और ये IMEI नंबर के कुछ स्टिकर्स हैं तो इनको भी साइड में रखते हैं। बाकी देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या कुछ मिलता है। ये एक बॉक्स और इसके अंदर मिलता है हमें ये क्विक स्टार्ट गाइड और वारंटी कार्ड, तो इसको भी रखते हैं हम साइड में। ओके, एक चीज़ और साथ में है हमारे पास, वो है ये एक स्क्रीन गार्ड जो कि टेम्पर्ड ग्लास तो नहीं है लेकिन नॉर्मल स्क्रीन गार्ड है, तो ये भी चलो ठीक है। ओके, ये हो गया पूरा इसका सीन। उसके बाद में देखते हैं हमें अंदर और क्या क्या मिलता है, ये काफ़ी भारी है। ओके, तो यहाँ हमें मिलते हैं एक ईयरफोन्स जो कि काफ़ी अच्छी बात है, 6000 की इसकी प्राइस है और ये ईयरफोन्स हैं तो कुल मिला के ठीक है आए हैं, वो भी अच्छी बात है। ओके, ये बैटरी इसमें अच्छा मतलब रिमूवेबल बैटरी है, तो ये इसकी बैटरी है। बैटरी की मैं कैपेसिटी दिखाऊंगा आपको, ये आप देख सकते हो, तो अगर 3000 mAh की बैटरी है इसकी तो चलो अच्छा है। और ये एक माइक्रो USB केबल से USB केबल होनी चाहिए, बिल्कुल ये एक USB 2 माइक्रो USB केबल है। और उसके बाद में लास्ट में हमारे पास बचता है हमारा पावर एडेप्टर, तो पावर एडेप्टर है काफ़ी छोटा सा है। अगर मैं इसकी रेटिंग की अगर बात करूँ तो ये है 5 वोल्ट और 1500 mA का, तो फास्ट चार्जर तो नहीं है लेकिन ठीक है, काम निकल जाएगा इससे। तो करते हैं हम बैटरी इंस्टॉल और फ़ोन को करते हैं एक बार बूट। और सबसे पहले तो हम उतारते हैं फ़ोन का रैप, इसको रखते हैं साइड में। फ़ोन की जो डिज़ाइन है वो काफ़ी यूनिक सी लग रही है मेरे को, मतलब एकदम स्लिम है देखने में। और ओवरव्यू की अगर बात करें तो हमें पीछे की तरफ नीचे मिलता है स्पीकर, ऊपर मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर, उससे ऊपर LED फ्लैश और कैमरा। टॉप अप की बात करें तो टॉप के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ एक 3.5 mm जैक। राइट साइड की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम रॉकर बटन और नीचे पावर बटन। नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो हमें यहाँ राइट साइड में कॉर्नर में मिलता है माइक्रो USB पोर्ट और उसके जस्ट बगल में मिलता है माइक्रोफोन। लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो लेफ्ट साइड है वो पूरी तरफ से है क्लीन, तो इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी के नीचे ही सिम वगैरह डलेंगी। तो चलो हम ट्राई करते हैं, ये है इसका सेटअप पूरा। तो सबसे पहले तो लगाते हैं हम इसमें बैटरी, ये लगा दी हमने बैटरी, और फिर करते हैं इस कवर को ऑफ और करते हैं फ़ोन को बूट। आई होप ये बैटरी थोड़ी बहुत चार्ज हो ताकि बूट हो सके। फ़ोन वाइब्रेट हो गया है, बूट होने वाला है। फ्रंट की अगर हम बात करें तो हमें राइट साइड में यहाँ मिल जाता है फ्रंट फेसिंग कैमरा, और सेंटर में मिल जाता है स्पीकर ग्रिल, और इधर मिल जाते हैं बाकी के सेंसर्स और LED फ्लैश। इलुगा की ब्रांडिंग डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में, और बैटरी डालने के बाद में भी फ़ोन का वजन जो है वो ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। और देख मतलब 6000 के अंदर मुझे ये एक ठीक लग रहा है। स्टॉक एंड्रॉयड की फीलिंग आ रही है, ये बिल्कुल एक स्टॉक एंड्रॉयड मोबाइल है। कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड हैं तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ये राउंडेड कॉर्नर्स जो हैं ये फ़ोन को इस लुक को और अच्छा बनाते हैं। हम एक बार स्किप करेंगे, ओके एक बार स्किप नहीं करते हम इसको, फिंगरप्रिंट लगाते हैं, फिंगरप्रिंट प्लस पिन। ओके, यस 1 2 3 4 नेक्स्ट। टच काफ़ी अच्छा है, टच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं कि रेंज अगर कम है तो टच भी ख़राब हो, टच बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। और अब हम कर रहे हैं फिंगरप्रिंट इनरोल, तो देखेंगे इसका फिंगरप्रिंट कितना फास्ट होता है। ओके, नेक्स्ट, आई एग्री, नो थैंक्स। ये हो चुका है फ़ोन बूट और आ गई हैं सारी एप्लीकेशंस। अगर एप्लीकेशंस की ज़्यादा बात करें तो
कोई फालतू की एप्लीकेशन है नहीं, बस एक स्विफ्ट कीबोर्ड की है और गूगल तेज साथ में आया। गूगल की सारी एप्लीकेशंस मौजूद हैं, प्ले म्यूजिक, प्ले स्टोर, प्ले मूवीज, शीट्स, स्लाइड्स, गूगल की सारी एप्लीकेशंस आई हैं, बाकी अदर कुछ भी फालतू की एप्लीकेशन नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और एक बार हम इसकी सेटिंग में जाके देखते हैं कि हमें इसमें क्या सिक्योरिटी लेवल वगैरह क्या कुछ मिलता है। सिस्टम में जाते हैं और अबाउट फोन, ओके, अपडेट टू एंड्रॉयड 8.0, ओके, एंड्रॉयड 8 की इसमें अपडेट है। अबाउट फोन में जाते हैं तो एंड्रॉयड 8.1 सिक्योरिटी लेवल जुलाई 5 का है, लेकिन कोई ना कोई अपडेट आ गया होगा अब तक, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल रैम है वो है 3 GB और स्टोरेज जो है वो है 32 GB। मैं आपको ये और दिखाना चाहता हूँ कि 32 GB में से आप कितनी GB आपको जो फ्री मिलती है। 32 में से 6.74 GB है वो यूज्ड हो चुकी है, और जो फ्री स्पेस है वो दिखा तो नहीं रहा है ये कितना GB फ्री है। पीछे देखता हूँ, ये बिल्कुल 25 GB है वो फ्री स्पेस है। तो यही था इसका। अब एक बार हम इसका जो फिंगरप्रिंट है वो टेस्ट कर लेते हैं। फिंगरप्रिंट के लिए मैं पीछे अंगुली लगाई, क्लिक हो गई, ओके, फिर से लगाया तो फिंगरप्रिंट कुछ फास्ट है, लगाते ही काम कर रहा है। ये लगाया मैंने, लॉक कर दिया, ये लगाया, ये खुल गई। एक बार फिर ट्राई करते हैं, ये लगाया, ये खुल गई। तो फिंगरप्रिंट फास्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक छोटा सा कैमरे का टेस्ट इसका और कर लेते हैं हम, कि इसका जो कैमरा है वो किस क्वालिटी का है। तो करते हैं एक रेंडम सी फोटो क्लिक इसी बॉक्स की, जिसके ऊपर इसके कुछ स्पेसिफिक फंक्शन लिखे हुए हैं, इन्हीं की फोटो हमें कैप्चर करना चाहेंगे। ओके, कैप्चर हो चुकी है, डिटेल्स पढ़ने की कोशिश करेंगे हम। डिटेल्स आ रही हैं, देखियो बिग व्यू लिखा हुआ है, 18:9 का डिस्प्ले रेशियो है, 5.7 इंच HD डिस्प्ले, 3000 mAh बैटरी, 3 GB रैम प्लस 32 GB स्टोरेज, 13 MP रियर कैमरा विद फ्लैश प्लस 5 MP फ्रंट कैमरा विद फ्लैश, फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक। तो यही था डिस्प्ले, मतलब 13 MP का कैमरा है, तो कुल मिला के ठीक ठाक लग रहा है। 6000 की प्राइस के अंदर ये एक डील अच्छी लग रही है मुझे। तो प्रोसेसर है वो है मीडियाटेक का, तो वो जो स्नैपड्रैगन 450 होता है उससे थोड़ा सा कम है, 425 और 430 के इक्वल है। तो यही था इस फ़ोन का पूरा हिसाब किताब। तो बताना वीडियो में कैसा लगा ये फ़ोन, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, सब्सक्राइब ज़रूर करना।